कंधार कांड पर आई वेब सीरीज पर मचा बवाल। वेब सीरीज में किया गया हिंदुओं का नाम बदनाम। सरकार का चला चाबुक, बैकफुट पर आया नेटफ्लिक्स। कब तक हिंदुओं को बदनाम करेगा ये बॉलीवुड? तारीख थी 29 दिसंबर 1999। नेपाल के काठमांडू से भारतीय विमान IC-814 ने भारत के लिए उड़ान भरी, लेकिन भारत नहीं पहुंच सका। 176 यात्रियों को लेकर उड़ा ये विमान अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार पहुंच गया, क्योंकि 5 आतंकवादियों ने इस विमान का अपहरण जो कर लिया था। इसी आतंकी वारदात पर फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने एक वेब सीरीज बनाई IC-814, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कंधार कांड को अंजाम दिया था, वेब सीरीज में उन आतंकवादियों का नाम डॉक्टर, बर्गर, चीफ, शंकर और भोला बताया गया था। 29 अगस्त को जैसे ही नेटफ्लिक्स पर IC-814 वेब सीरीज आई, इस पर बवाल मच गया। तमाम हिंदू संगठनों ने इस वेब सीरीज के खिलाफ ऐसा बवाल मचाया कि वेब सीरीज को ही बैन करने की मांग उठने लगी। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस हिंदू फोबिक फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं, जिसमें भोला और शंकर नाम के IC-814 अपहर्ताओं को दिखाया गया है। ये फिल्म हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, अब इस फिल्म को भी गटर में डाल दो। एक यूजर ने तो लिखा, जिन 5 आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया था वो सभी मुस्लिम थे, जिनका नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर था। हालांकि इस फिल्म में इन आतंकवादियों के बदले हुए नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। यहां तक कि अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस वेब सीरीज पर भड़कते हुए फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक को ही हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी बता दिया। नेटफ्लिक्स पर जिस प्रकार कांधार विमान अपहरण कांड को लेकर के एक फिल्म प्रदर्शित की गई, यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। क्या दुनिया को नहीं पता है कि अफगानिस्तान में कौन रहता है? तालिबानों में किन लोगों ने विमान का अपहरण किया था? इस प्रकार के कृत्य के लिए मेरा मानना है कि भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों पर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि जो लोग तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसे अखिल भारतीय संत समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता हुई तो हम व्यक्तिगत भी मुकदमा दर्ज कराएंगे ऐसे निर्माता निर्देशकों के खिलाफ, क्योंकि ये देशद्रोही और सनातन धर्म के द्रोही लोग हैं जो विभिन्न मुखौटों में, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के मुखौटों में छिपे हुए हैं। कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज IC-814 के रिलीज होते ही इसका विरोध शुरू होने लगा, तो सबसे पहले बचाव में उतर आए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने एक पोस्ट में लिख दिया, राइट विंग वाले अनुभव सिन्हा को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट चेक कर ले। आतंकियों के नाम भोला शंकर रखे जाने के मामले में कूदे फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये तो बता दिया कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सभी आतंकियों के नाम हिंदू वाले थे, लेकिन ये बताना भूल गए कि वेबसाइट पर कंधार कांड को अंजाम देने वाले आतंकियों के कोड नेम के साथ ही उनके असली नाम भी दिए गए थे, जिसके मुताबिक इब्राहिम अतहर का कोड नेम चीफ था, शाहिद अख्तर का कोड नेम डॉक्टर था, सनी अहमद काजी का कोड नेम बर्गर था, जहूर इब्राहिम मिस्त्री का कोड नेम भोला था, शाकिर का कोड नेम शंकर रखा गया था। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, जिन्होंने भोला और शंकर जैसे हिंदुओं के नाम रखकर आतंकी वारदात को अंजाम दिया, जिससे किसी को शक न हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे साल 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब अपनी पहचान छुपाने के लिए हाथ में कलावा बांधा हुआ था। यानी पाकिस्तानी आतंकियों की ये फितरत रही है कि हिंदू बनकर हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करो। कंधार कांड में भी आतंकियों ने यही रणनीति अपनाई, जिसे वेब सीरीज में दिखाया गया। लेकिन जब विवाद बढ़ने पर मोदी सरकार ने नेटफ्लिक्स वालों को तलब किया
तो नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के अपहरण से अपरिचित दर्शकों की सुविधा के लिए वेब सीरीज के शुरुआती डिस्क्लेमर को अपडेट किया गया है। इसमें अपहरणकर्ताओं के वास्तविक नाम और कोड नेम जोड़ दिए गए हैं। वेब सीरीज में कोड नाम वास्तविक घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए नामों को दर्शाते हैं। भारत में कहानी कहने की समृद्ध संस्कृति है और हम इन कहानियों और उनके ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार ने फटकार लगाई तो नेटफ्लिक्स लाइन पर आ गया और तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कह दिया कि वेब सीरीज की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा और पाकिस्तानी आतंकियों के कोड नेम के साथ ही उनके असली नाम इब्राहिम अथर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शाकिर भी दिखाए जाएंगे। आपको बता दें, आजकल प्रमोशन का भी एक तरीका हो गया है, फिल्में हो या वेब सीरीज, कोई भी विवादित कंटेंट डाल दो और जब विवाद मचे तो माफी मांग कर या फिर कंटेंट में काट छांट कर दो, जिससे फिल्मों को फ्री में प्रमोशन मिल जाएगा और विवाद भी थम जाएगा। इससे पहले आमिर खान की फिल्म पीके में भी हिंदू धर्म को बदनाम किया गया, तो वही सैफ अली खान की तांडव में भी भगवान भोलेनाथ का मजाक बनाया गया और कंधार कांड पर बनी फिल्म को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो क्या कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज को लेकर भी यही पैंतरा अपनाया गया? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। And as you know, guys, we of course I would like to start off. A lot of questions will be coming in from their side also, but I'd like to actually start with Sarita and Sanjay, both of you. Response has been phenomenal, and of course, on the 29th of August, the journey from a book to a series finally happened, and within just a few days, kuch hi dino ke andar, the response is mind blowing. I mean, how do you feel about that? Did you know that this is what's going to happen within the first week of the release? Appreciation we are getting on IC 814. It's a personal story which we've been working for the last 5 years. I come from a family of aviators, and it was important to tell a story of courage and resilience and what goes on in that aircraft, and that's what we did. And of course, when you have someone like Anubhav Sinha leading it, this is what you get. True that. I completely agree, and Anubhav sir, within the first week, the kind of response that you're getting, it's absolutely phenomenal. I mean, you've actually taken reactions from everyone within the industry also. Audience reaction bhi aap tak pahuncha hai. Did you actually believe that this is what's going to be such an instant response? No, yaar, when you release something, you're hoping that people like it. Yeah. And, you know, it'll be too pompous to imagine that something like this will happen, this kind of response. But as it pours in, it is overwhelming. It's it makes you feel smaller, actually. The amount of love that has been offered to us so far is outstanding, and I'm absolutely grateful. Can I just stand up and thank all these people? Please do, sir. Please do. And this absolutely. Pankaj bhai, Nasir bhai, aap sab log. Thank you. Thank you for doing this. Wonderful. And Trishan, can I just once just shake your hand? Grip to bahut tight hai. Ye gripping screenplays yahi se nikal ke aate hai. What have you been doing, Trishan, from Jamtara to now this particular series? I think it's one of the most gripping tales that I've viewed. And clearly, the skill set to write such a series is something that not everybody possesses. How did you develop that? Thank you, thank you. I would rather give it to the amount of research that we did on the show. I mean, writing screenplays is possibly the last step. Nice. But there is so much that very humble of you, sir. Before that. So the research, the meetings, the meeting everybody, and then sort of trying to crack a story. So true. It was a whole process that took 5 years. No, it is. I'm going to come back to you and ask you about how many different layers, kitne sare tracks chal rahe the, and to be able to bring them all together is absolutely remarkable. So well done on that. 99, is everybody over here who was around during 1999? Koi 2000 plus ki paidaish ho to pata nahi, but I'm sure most of us are old enough over here who were there when it was happening. Naseer sahab, I was in 99 when this incident was happening, main isi hotel mein bellboy tha. I mean Taj Residency ek hotel ke andar, and mera kaam tha newspapers baantna logo ke rooms ke niche, one of those things. And I remember that morning, that newspaper
the headlines and the entire country, and everybody was completely engrossed in it. Do you remember 99 when this incident was happening, when you were doing this series? Did it come to you from memory? Because you've seen a lot, and did that actual incident play in your head? I can't say that. I was about 50, sir, when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to. And there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved, because I was left with a feeling of unease when the deal was struck. I could not pinpoint why I feel this, but I did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time, and this was no closure. This is what I remember feeling. While playing it, of course, I've never been in a crisis management meeting or anywhere near any of these things. But what appealed to me was the thought of playing with all these wonderful actors. It just seemed like being in heaven. To be with 7-8 actors who you love and admire, I can't think of any happier situation than that. So I don't think I recalled any of what I felt at that time. But heavenly for us also, sir, to see all of you together. Thank you for actually deciding to do this. Pankaj sir, thank you for deciding to do this, because I heard that initially, was there a time jab aapne socha tha ki nahin, this series is not going to happen, but then you became a part of it? See, I would say that I'm somebody who goes through the entire script. Gee. And because Anubhav told me that it's about 200 pages, and I was short on time, so I wondered whether I'll be able to go through those 200 pages before I address the character that is being offered to me. But with God's grace, I managed to go through them. And I was really... But I was really, really impressed with the writing. I felt it was a very taut screenplay and very well-written script, which is why I wanted to be a part of it. And in any case, I have a kind of soft corner for this gentleman. I've worked in a couple of films with him earlier. Even otherwise, he's like a younger brother to me. So once he offered me, he was half apologetic about it. But once I read the screenplay, I thought it was a very good series to be a part of. That's how I landed over there. And when I got to know that these are the actors who are going to be part of it, it was really, as Naseer Saab said, that was a pleasure to be among all of them. Absolutely, absolutely. Anubhav sir, aapko Saurav Ganguly wali feeling nahi aayi kabhi? Jinki team mein Sachin, Dravid, Sehwag, VVS, Zaheer Khan, sab bhare pade hain. Almost, because this is just amazing. I haven't seen a project like this before. Actually, when we were finishing casting, it didn't feel like... Once the poster came out, then it looked like... So, in the room, I had these 9 or 10 fantastic actors, and I had to... So, you're dealing with targets. You have to finish X number of scenes every day. And then you have to... And they're all different kinds of... inki preparations alag hain. So, all that energy and... It was something very organic that was going on. And I just was a fly on the wall and I was just watching them. And main beech beech mein wo fly udke jaati thi, ek camera laga ke aa jaati thi. Phir dusra camera laga ke aa jaati thi. And it was like I was telling somebody the other day, I was this child in...